बचने के साथ ही दूसरे चरण के मतदान भी शुरू हो चुका है। यूपी के 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 7 बचने के साथ ही अलीगढ़, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और में वोटिंग शुरू हो चुकी है। अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद में भी वोटिंग दूसरे चरण में बीजेपी के साथ और आरएलडी के एक उम्मीदवार मैदान में। अलीगढ़, बागपत, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। वहीं अमरोहा, बुलंदशहर, मथुरा और गाजियाबाद की सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के चुनाव में अमरोहा को छोड़कर बाकी 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया है कि वोट बेहद कीमती है, इसलिए वोट का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस का हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं, पारस हमारे साथ मौजूद है। पारस, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए। कह रहे तो मेरठ में 750 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि 2000 से अधिक बूथ बनाए गए। डीएमडी की टीम इस वक्त मौजूद है एक युवा बूथ पर। ये देखिए, युवा बूथ यहाँ पर बनाया गया है, स्लोगन भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। युवा देश का भविष्य है, लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं का हार्दिक स्वागत है। ऐसे में जो लोग हैं, आप देखिए सुबह सात ही बजे अभी जब मतदान जो है वो जस्ट अभी शुरू हुआ है और जो वोटर्स हैं वो लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ वोटर्स से भी बातचीत करते हैं। आप बताए किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? डेवलपमेंट। आप बताएं वोट कास्ट करने के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आंटी क्या कहना, क्या क्या कहना चाहेंगे वोट डालने के लिए आ जा पाए? कुछ कहना चाहेंगे वोट डालने के लिए आ पाए? किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे आज? जो मोदी सरकार के मुद्दे हैं वही डालेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे वोट कास्ट करने के लिए? मोदी सरकार के लिए डालेंगे वोट। कुछ और लोग भी मतदान मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं? ठीक है, ठीक है, रोकेंगे आपको। फिलहाल आपको बताएं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और मतदाता पहुंच रहे हैं अब वोट का इस्तेमाल करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बताते हैं। अलीगढ़, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद में वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल बीजेपी जो है बहुत पिछले बार की अगर नतीजों की बात करें तो सिर्फ अमरोहा सीट जो है वो बीजेपी ने हारी थी, बीजेपी हार गई थी, लेकिन अब इस बार मिशन 80 के तहत बीजेपी लगी हुई है। लेकिन वोटर्स क्या सोचते हैं, वोटर्स की सोच क्या है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अनुष्का का सर रुख करते हैं। नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अनुष्का। क्या तस्वीर, क्योंकि 7 बज चुके हैं, वोटिंग का टाइम शुरू हो गया है। बिल्कुल, दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सोसाइटी के बाहर इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं वोट डालने की, क्योंकि इस बार जो अंदाजा है वो लगाया गया था, संभावनाएं जताई गई थी कि काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। पहले चरण में काफी कम वोटिंग देखने को मिली थी और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बताया जा रहा है, लेकिन आज के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं, वोटिंग दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ में लोग जो है वो चल के आ रहे हैं सुबह सुबह वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। सबसे ज्यादा ओल्ड एज वोटर्स जो है उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखने को मिल रही है, सभी लोग वोट डालकर आ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी टीम से बातचीत की और ये बताया कि वो एक दिन पहले ही रात को यहाँ पहुंचे, होटल में रुके और उसके बाद सुबह सुबह जो है वो वोट देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिनके ऑफिस है वो ऑफिस से समय निकाल कर जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं और यहाँ व्यवस्थाएं काफी ज्यादा पुख्ता की गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये जो पूरे आपको बता दें सेक्टर 21 का एरिया है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर पोलिंग बूथ जो है वो स्कूल में बनाया गया है और साथ ही साथ इसके ठीक बगल में कम्युनिटी सेंटर्स जो है सोसाइटी के वहां पर भी पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और वोट डालने के लिए जो है वो आए, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि सोसाइटीज के अंदर लोगों की सहूलियत के लिए वोटिंग्स की जो सुविधाएं हैं वो बनाई गई है। आप देख सकते हैं जो वोटर्स है वो वोट कास्ट करके बाहर की तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ओल्ड एज वोटर्स हैं और लगातार जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से एक बड़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, लाइनों में लोग जो है वो खड़े दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग वोट कास्ट करके भी अब आने लग गए हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रमेश गेरा है। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से वोट डालने के लिए आया हूँ। अच्छा। पहले सेक्टर 25 नोएडा में रहता था, एक महीना पहले मैं यहाँ से शिफ्ट कर गया हूँ। अच्छा। तो लेकिन मैं वोट मिस नहीं कर सकता था, रात को मैं आया हूँ, होटल में ठहरा हूँ और सबसे पहला वोट मैंने ही डाला है। सबसे पहला वोट आपने? हाँ जी, हाँ जी, और 65 साल उम्र है मेरी। क्या कुछ मुद्दे थे जिस पे वोटिंग की है इस बार आपने? बिल्कुल, देश का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और मोदी जी ने जो पहचान बनाई है देश की दुनिया में, क्योंकि मैं पहले भी बहुत देशों में जाता रहा हूँ, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, MBA हूँ, अब भी जाता हूँ।
पहले जाता था विदेशों में तो मुझे किस नजरिए से देखा जाता था, अब नजरिया बिल्कुल बदल गया है। लोग अब पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, हम बोलते हैं इंडिया के, ओ इंडिया इंडिया मोदी इंडिया मोदी, और पहले क्या बोलते थे 20 साल पहले, इंडो 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 इंडो, तो दैट इज द डिफरेंस। कैसा लग रहा है, सहूलियत बहुत बना दी गई इस बार वोटर्स के लिए, सोसाइटी के ठीक बाहर जो है वो बूथ्स वगैरह बनाए गए हैं? हाँ, सब कुछ अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, मुझे एक डर भी लग रहा था कि शायद मैं आज वोट डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन मेरे पास पैन कार्ड था तो मुझे जाने दिया, और पैन कार्ड के बेस पर अच्छी तरह से बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, मुझे पर्ची भी मिल गई थी और उसके बाद लाइन भी बड़ी अच्छी, और सबसे पहले मैं गया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है अनुष्का, बने रहिए हमारे साथ। तो देख सकते हैं आप, ये पहले वोटर हैं 65 साल के, जिन्होंने अपील भी की है और वोट डालने के लिए चंडीगढ़ से आए हैं। पारस का जरा रुख करते हैं, पारस क्या तस्वीरें देख रहे हैं, कितने लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए? देखिए बिल्कुल, एक युवा बूथ पर हम मौजूद हैं, हालांकि जो लाइन है वो अभी कुछ ही देर में, जो लंबी लाइन जो है यहाँ पर लग गई है, महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ जो मौजूद हैं, कुछ वोटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये वोट अपनी कास्ट करके आ गए हैं। आप बताएं, वोट कास्ट कर लिया आपने, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आज वोट किया है? हाँ, देश को देख कर ही वोट किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं अब, और प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि वोट करने में भी आनंद आ रहा है और देश को सोच के ही वोट किया जा रहा है। शाही एक बार आप दिखा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला वोट किया है, बेटा भी है शाही, ये दिखा रहे हैं वोट, सबसे पहला वोट किया है यहाँ से। एक बार कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, दूसरी ओर की भी तस्वीरें दिखाएं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं वोट कास्टिंग करने के लिए, लोग यहाँ पर जरूर आ रहे हैं, युवा भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मतदान शुरू हुए तो केवल 5 मिनट ही हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अब वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, जो तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, वोट कास्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, वोट करने आए हैं लेकिन लेट हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे आज? मुद्दों को लेकर के राष्ट्र के ऊपर और अपनी सीमा की सुरक्षा के ऊपर। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं करने वाले किस इन मुद्दों को लेकर डालेंगे? फौजी क्या कहना चाहेंगे? अपने देश के विकास के लिए, अपने यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए, अपने अपने ईमानदारी के दिक्कत के लिए। ठीक है पारस, मैं लौटता हूँ। बहुत अच्छी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी पारस, मेरठ में लंबी कतारें दिखाई दे रही है। मोहित हमारे साथ बुलंदशहर से मौजूद है, मोहित वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, आप जिस तरह देख सकते हैं, मेरे साथ में कुछ वोटर्स हैं जो कि अपना वोट कास्ट करके आ चुके हैं, और उनका खुद कहना है कि वो हम लोग कुछ ना कुछ देश के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि जो देश की जो वोट है वो कितनी अहम है। तो हमारे साथ जो पहली यहाँ की वोटर है, जो भागसिंह 19 पर हम खड़े हैं जटपुरा इंटर कॉलेज पे, तो पहली महिला वोटर है जिन्होंने पहला वोट यहाँ कास्ट किया, वो मेरे साथ मौजूद है, खुद आई है, कुछ कहना चाहती है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अंजू मैम, बताइए आप क्या कहना चाहती है? मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी वोटर्स हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले मैंने वोट किया है, पहले मतदान बाद में दूसरा काम तो हम हमेशा करते हैं, और सब माता बहनों से और भाइयों से मेरा कहना है कि वोटिंग राष्ट्र हित में कीजिए। किन किन मुद्दों पे आपने वोटिंग की है? वोटिंग की है मैंने मुद्दों पे किया कि सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ से मुक्त होगा, सब लोग अच्छे होंगे, और हमारे जो बिजली है पानी है, ये 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जो हर किसी को होना चाहिए, उसी पर मैंने वोटिंग की है। क्या नाम है आपका? सर मुकेश शर्मा। आपने वोट किया? दिखाइए कहाँ वोट किया आपने, अपना कास्ट किन दिन सही? बहुत बढ़िया, क्या किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? यही जो मैम ने बोला है यही होना, हर गृहस्थी को हर परिवार को बिजली की पानी की सड़क की हर चीज की व्यवस्था और एक न्याय बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को मिटाना हम सरकार से। क्या लगता है कि मतलब अभी मिट रहा है या और मिटाने के लिए आपने किया है? मिटाने के लिए किया, इसको मिटाने के लिए ही करने के लिए आज हम वोट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप साफ देख रहे हैं कि जो वोटर्स का कहना है कि जो भ्रष्टाचार है उसको कहीं मिटाया जा रहा है, बिजली पानी भरपूर मिल रहा है, जिसको लेकर वो लोग यहाँ अपना वोट कास्ट करने आए, उनका साफ साफ कहना है कि वो दूसरे वोटर्स हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अपना वोट देने के लिए जरूर पहुंचे, अपनी वोट की महत्ता उसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है मोहित, बने रहिए हमारे साथ। देख सकते हैं कि आज जो वोटर्स हैं वो जागरूक हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं इस वक्त।